मनीष सिसोदिया के लिए आज अहम दिन। जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। क्या मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए आज अहम दिन रहने वाला है। कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 9 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाने वाला है। बता दें कि मंगलवार को सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया की ओर से ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की जमानत को लेकर फैसला देगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। वहीं ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने न्यायालय के सामने ऐसा दावा किया है कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की मुख्य संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। सीबीआई और ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया कई महीनों से कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांग रहे हैं। सिसोदिया को पहले सीबीआई और ईडी ने क्रमशः पिछले साल 26 फरवरी और 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए मुकदमे में देरी होने पर नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी थी, जिसके बाद सिसोदिया फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अब तक करीब 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हिरासत में हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी इसी मामले में ईडी हिरासत में चल रही है। बहरहाल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आज सिसोदिया को गुड न्यूज देता है या नहीं। देखना होगा आज सिसोदिया को जमानत को लेकर क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।